दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटेल मोबाइल हैंग कर रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फाइल को ओपन करना है या फाइल मैनेजर को जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह ओपन होगा। अब नीचे आना है तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा और नीचे यहाँ पर दिखाएगा कि कितना फ़ोन का स्टोरेज खाली है। अगर स्टोरेज भर जाता है, फुल हो जाता है, तो भी मोबाइल स्लो चलता है और हैंग करता है। तो अगर आपका भी स्टोरेज अगर फुल है तो इसे खाली करना है, जैसे कि कुछ MB ही खाली है या फिर 1-2 GB खाली है तो भी आपको कुछ खाली करना पड़ेगा। कैसे खाली करेंगे? तो देखिए, जो फ़ोन में फ़ोटो और वीडियो है उन्हें छांटना है। जो आपके काम का फ़ोटो वीडियो रहेगा उसे रहने देना और बाकी सबको डिलीट कर देना। ऐसा करने से फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा, फ़ोन हैंग नहीं करेगा और सही से चलेगा। तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद अब जो ऐप आप नहीं चलाते हैं उस ऐप को डिलीट करना है। जैसे कि अगर आपने किसी ऐप को इंस्टॉल किया, 1-2 बार ही चलाए हैं, फिर उस ऐप को नहीं चलाते हैं, तो उन ऐप्स को भी डिलीट कर देना है। डिलीट करने से फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा, फिर फ़ोन हैंग नहीं करेगा, सही से चलेगा। इस तरह फ़ोन को सही कर सकते हैं। अगर फ़ोन फिर भी हैंग करता है तो फिर क्या करना है? फ़ोन का फ़ोटो, वीडियो और कॉन्टेक्ट नंबर किसी दूसरे फ़ोन में ले लेना है, दूसरे फ़ोन में भेज लेना है और फिर इस मोबाइल को रीसेट कर देना है। जैसे रीसेट कर देंगे तो पूरा स्टोरेज खाली हो जाएगा, फ़ोन बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा और सही से चलेगा। इस तरह भी फ़ोन को सही कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।